Welcome to Life Jopedia. Stay tuned with your health guide. ऑटिज्म के साथ जुड़ी अन्य समस्याएं। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को आमतौर पर ये समस्याएं होती हैं। डिसलेक्सिया, ऐसे लोगों को अक्षर पहचानने, लिखने और पढ़ने में दिक्कत होती है। डिसप्रैक्सिया, इन समस्या से पीड़ित लोगों को सुस्ती और दूसरों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करने में परेशानी होती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इस स्थिति में लोगों का ध्यान आसानी से भटक जाता है और उन्हें एकाग्र रहने में दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को स्कूल और कामों की जगह पर अतिरिक्त सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। अनिद्रा या इंसोमेनिया, अनिद्रा से पीड़ित लोगों के लिए ठीक तरीके से सो पाना संभव नहीं हो पाता। लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें लोगों को नई चीज़ें सीखने, किसी कठिन विषय या जानकारी को समझ पाना और खुद का ध्यान रखने में भी दिक्कत होती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऑटिज्म के मरीजों में बेचैनी, ऑब्सेसिव कॉम्प्लेसिव डिसऑर्डर यानी किसी काम को करने की सनक या जुनून छाया रहता है। ऐसे लोगों में डिप्रेशन जैसी भावनाएं हमेशा रहती हैं। मिर्गी, इस समस्या से पीड़ित लोगों को हाथ पैरों में हमेशा सरसराहट सी महसूस होती है, साथ ही इन्हें स्वाद और गंध महसूस होती है। जोड़ों में दर्द, कुछ ऑटिस्टिक लोगों को जोड़ों और घुटनों में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा ऑटिज्म में कब्ज या कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसी समस्याएँ होती हैं।